चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, रोज बुरी खबर मिलती है। जो किसान कौमे हैं, और इसे हम गलती करेंगे अगर हमें किसी जाति से जोड़ेंगे, लेकिन जिस गांव में अगर स्टेडियम बन जाएगा और इसमें खिलाड़ी एक बार खेलना शुरू कर देंगे, जो सेना भर्तियां भी होती हैं उसके लिए भी बच्चे तैयारी करते हैं और पक्के रास्ते पे दौड़ रहे हैं, गांव के कच्चे रास्तों पे दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके साथ मिलकर नीरज को, उनके घर परिवार को बधाई देने ही आया। गाँव की भी के लिए बड़ी उपलब्धि है। रोज रोज तो नहीं होता कि गांव का कोई व्यक्ति इस तरह से मेडल जीत के लाए, पदक जीत के लाए, गांव का नाम सुर्खियों में आ रहा है। इनकी मासूमियत बनी रहे, इनकी ताकत बनी रहे, यूं ही आगे और ये सपने देखें और उन्हें हासिल करें, और इनके इनको देखते देखते इस क्षेत्र का हर नौजवान आगे बढ़े। ये आयोजन इसलिए किया, बात तो बहुत सारी है करने को, समस्याएं घड़ी हैं। गन्ने का पिरोई सत्र चल रहा है, मैं आपकी फसल देखता आ रहा हूं, कल शामली भी जाऊंगा जहां किसान लगभग 50 दिन से धरने पे बैठे हैं मिल के सामने। बड़ी समस्या है, मिल चल चुकी और किसान पे लाजमी है, इतना दबाव रहता है, उसे अपने अगली बुआई की भी फिक्र है, खर्चे निकालने हैं, किसी तरह कुछ नकदी उसको मिल जाए। और ऐसे में सरकार ने अभी तक रेट का निर्धारण ही नहीं किया, किसान को जानकारी नहीं है कि क्या मूल्य उसको मिलेगा और कब तक मिलेगा। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, अभी आम बात हो चुकी। और यूं तो हम बहुत आलोचना करते हैं खट्टर की, लेकिन उन्होंने भी घोषित कर दिया है 386 रुपए गन्ने का रेट हरियाणा दे रही है, घोषित हो गया इस पिरोई सत्र के लिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया अगले साल 400 देंगे, अगले साल का रेट भी अभी खोल दिया। यही होना चाहिए कि बुआई के समय किसान को जानकारी मिले, निश्चितता हो, और उद्योग भी फायदे में रहेगा, उद्योग को भी कोई नुकसान नहीं है। ये सारी चीजें, फैसले समय पर होने चाहिए, और ये किसानों के अनदेखी है और कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि आज ये जमावड़ा, जो जितने लोग आए हैं, इन ये समस्याएं तो हैं ही, लेकिन इन चिंताओं से ऊपर उठकर आज हमें मौका है, हम जश्न मनाएं, खुशी मनाएं। रोज बुरी खबर मिलती है, अखबार खोलोगे तो यहां मर्डर हो गया, यहां रेप हो गया, यहां किडनैपिंग हो गई, यहां लूटपाट हो गई, पूरा अखबार भरा पड़ा रहता है इन खबरों से। एक अच्छी खबर हमें मिली है, और बागपत के लिए विशेष बात यह है कि पूरे देश में जितने मेडल हैं, मैं देख रहा था कि बागपत लोकसभा में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश के एशियाड में जितने मेडल जीते बागपत लोकसभा ने, तो कुछ तो है, कुछ तो खास बात है। बात यही है कि जो खेती करते हैं, जो किसान कौमे हैं, और इसे हम गलती करेंगे अगर हमें किसी जाति से जोड़ेंगे, जाति से अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। बात यह है कि जो खेती करती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी, वो मेहनत उनके रगों में है, वो उनके जीन्स में है, उनकी शारीरिक क्षमता है, और अगली पीढ़ी अब मेहनत करना जानती है, सीख चुकी, अनुशासित है, वो उन्हें अवसर मिलने चाहिए। अवसर नहीं दे रही सरकारें, बहुत बड़ा फेलियर सरकारों का है इस क्षेत्र में, वरना हरियाणा और पंजाब और महाराष्ट्र तीन राज्य जो आज उत्तर प्रदेश से ज्यादा मेडल जीत रहे हैं हर प्रतियोगिता में, ये हमारी कमियां हैं कि उत्तर प्रदेश उसमें पिछड़ रहा है। वरना यहां हर गांव में अपने नीरज जैसे खिलाड़ी मिलेंगे, हर गांव में मेडल जीतने की क्षमता वाले खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे। और इसलिए मैंने अपने पूरी सांसद निधि को डिवोट किया है, करने को बहुत काम है गांव में, आप भी समझिए। मैं गांव में जाता हूं तो दबाव रहता है, क्योंकि इतने काम करने को है, सड़कें भी खराब है, नाली का भी निर्माण चाहते हैं जहां गंदगी है, पानी की निकासी नहीं है, बुनियादी चीजें नहीं है, जो शिक्षण संस्थान अच्छे चला रहे हैं वो भी चाहते हैं कि कमरे बन जाएं, कहीं कंप्यूटर लाइब्रेरी चाहते हैं,
मैंने ये सोचा कि खेल का निर्माण होगा तो निर्माण उसका लाभ सब लोग उठा पाएंगे और वो ऐसा प्रोजेक्ट होगा, परियोजना होगी जो लंबे समय तक फायदा देगी। जब सड़क खराब हो जाती है तो आम आदमी जिसका घर उस सड़क पे है वो सोचता है ये तो सरकार का काम है, इसकी देखरेख हमारा काम नहीं। ये आम भावना बन गई है, सरकारी संपत्ति पे अपना अधिकार लोग नहीं मानते, जबकि है आपका अधिकार, जिम्मेदारी भी है आपकी देखरेख में वो चीजें संरक्षित रहें, जिम्मेदारी भी है और आपका पूरा अधिकार भी है जो सरकारी संपत्तियां हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं। लेकिन जिस गांव में अगर स्टेडियम बन जाएगा और इसमें खिलाड़ी एक बार खेलना शुरू कर देंगे और गांव के सभी परिवारों को, गांव के सब जिम्मेदार लोगों को, गांव के प्रधान को, उस संस्था के संचालक को दिखाई देगा कि सीधा फायदा हमारे बच्चों को मिल रहा है, अगली पीढ़ी, तब उस स्टेडियम के मरम्मत के लिए कोई इंतजार नहीं करेगा कि सरकार हमें बजट दे, गांव के लोग चंदा करके उगाही करके कैसे भी करें उसकी देखरेख खुद करेंगे। और इसलिए मैंने सोचा कि निर्माण ऐसा हो जो जनता की भागीदारी जिसमें हो और जनता खुद समझे इस बात को और लंबे समय तक फायदा जिसको मिलेगा। बच्चे हमारा खेलेंगे, खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जो भार है वो कम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 2009 में दिल्ली में गैर सरकारी संस्था है सेंटर फॉर डिजीज क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल, और उन्होंने ये जांच सर्वेक्षण किया और ये पाया कि जो शहरी आबादी है उसमें 25% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अब आप कहोगे वो शहरी बीमारी है, शहर में उनका जो है जो जीवन पद्धति है और गाँव में बहुत अंतर है, आप तो रोज मेहनत करो, वो एयर कंडीशन में रहते हैं, उनके खान पान अलग है, सब मिलावट के चीज खा पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाँव में और शहर में ज्यादा फर्क अंतर रह रहा हो। हम NCR क्षेत्र में हैं, यहाँ शहरीकरण का पूरा प्रभाव पड़ रहा है और धीमे धीमे जो 2009 में जो जांच हुई थी उसके बाद 2015-16 में केंद्र सरकार जो सर्वेक्षण करती है हर घर का, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उसमें इन्होंने कई राज्यों में 15 राज्यों का सर्वेक्षण किया और पाया कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के रोग, शहर में और गांव में कोई अंतर नहीं रह रहा। तो इसलिए जीवन पद्धति में भी जो अंतर परिवर्तन आ रहे हैं समय के साथ और चीजें तेज होंगी, अब वो गांव में उस तरह की खेती में भी उस तरह की मेहनत नहीं कर रहे और अगली पीढ़ियां खेती भी नहीं करना चाहती, रह रहे गांव में, खेती कोई और कर रहा है, मजदूरी कोई और कर रहा, ये भी स्थितियां हैं गांव में। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी हम देखें, अगर खेल का कल्चर हम बना देंगे, यहाँ सुविधा गांव में हम लोग दे देंगे, लोग सभी उम्र के लोग, यही नहीं है कि खिलाड़ी खेलेंगे स्टेडियम में या सिर्फ मेडल जीतने के लिए खेल खेला जाता है, ये हमें स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए खेल को प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लोकदल ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, हम लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, पंचायतें भी होती है, मांग को लेकर आप लोग एकत्रित होते हो, किसी के साथ अन्याय होता है तब इकट्ठा होते हो। आज हम लोग नीरज और इसके नाम में ही मान है, इसने मान सम्मान रखा क्षेत्र का, और आज हम इसके सम्मान के लिए आए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले खिलाड़ी देखें कि ये जो संभ्रांत लोग हैं परिवार के, समाज के, ये खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। एक रुचि बनेगी, लोग कहेंगे भाई बड़ा सम्मान हुआ नीरज का, हम भी नीरज की तरह काम कर सकते हैं, हम वो 6'4" है, हम 6'6" हैं वो अपने आप से कम नहीं मानेंगे नीरज से। मैं पूछ रहा था नीरज से, क्योंकि उसका खेल टेक्निकल खेल है, ऐसा तो है नहीं कि यहां वो प्रैक्टिस कर लेगा या कोई सुविधा इसको मिल जाएगी कि यहां रहते रहते वो वर्जिश कर लेगा, उसके लिए तैयारी कर लेगा, ये आर्मी में है, भारतीय सेना में। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं भारतीय सेना को भी कि उन्होंने इसको ये अवसर दिया और हमारे क्षेत्र को, नौजवान को वो मौका मिला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसने पदक जीत के दिखाया। हम उम्मीद करते हैं इस बार तो रह गया थोड़े से, इसकी टीम थोड़ी से रह गई, हम उम्मीद करते हैं कि अगले बार ओलंपिक में भी पदक जीतेंगे और अगली बार स्वर्ण पदक जीत के यहाँ लौटेंगे और इसी तरह का हम जश्न का माहौल गाँव में इनके लिए खड़ा करेंगे। और मैं रणवीर जी, तो छपरौली इंटर कॉलेज में आप रहे अध्यापक, कितने साल रहे जी? मैं रहा जी 41 साल।
41 साल, मेरी उम्र ही 44 हो रही है, 41 साल इन्होंने वहां काम किया, संचालन भी किया करते थे चौधरी साहब की सभाओं का। आपको खुशी होगी मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि यहाँ जो सेना भर्तियां भी होती हैं उसके लिए भी बच्चे तैयारी करते हैं और पक्के रास्ते पे दौड़ रहे हैं, गांव के कच्चे रास्तों पे दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए रनिंग ट्रैक की सुविधा होनी चाहिए। बड़ौत कॉलेज में मैं पहले ही प्रस्ताव दे चुका हूँ, वहाँ रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, और कल ही शाम को मैंने छपरौली इंटर कॉलेज में, जो आपकी संस्था है, आपका हक बनता है उस संस्था में, आपकी देख रेख में वो संस्था रही है, उसके लिए भी 50 लाख रुपए मैंने 300 मीटर 6 लेन का सिंथेटिक रनिंग ट्रैक है, बड़ौत में तो पक्का वाला बन रहा है, यहाँ सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बन रहा है जो एथलीट के लिए बनता है, 50 लाख में नहीं बनेगा, जाके बनते बनते उसमें ज्यादा संसाधन चाहिए होंगे, 1.5 करोड़ तक पैसा लगेगा, लेकिन मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, उसका लाभ आपको भी मिलेगा। और मैं ये भी कह दूं, क्योंकि बात गांव की आई थी, प्रधान जी भी बात कह रहे थे, हर एक जनप्रतिनिधि का प्रयास होता है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, जो भी मांग या गांव की तरफ से होगी, जमीन आप तैयार करके दें, प्रस्ताव करें, और मैं उसमें कोई निर्माण जो खेल के लिए आप चाहोगे मैं दे दूं। धन्यवाद। जय जय चौधरी, जय चौधरी, जय चौधरी।